सहारा देने वाले हो। तुम जन स्थानों को जानते हो जहाँ मेरा भाई खर महाभाव दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांस भोक्षी भोजी राक्षस, महाभाव त्रिशरा और भी बहुत से लक्ष्य वेद के कुशल सूर्यवीर निशाचर रहा करते थे। ये सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे। उस विशाल वन में धर्माचरण करने वाले मुनि थे, उन्हें सताया करते थे। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषय उत्साह से संपन्न 14,000 सूर्यवीर राक्षस थे जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जन स्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे सब के सब उस समय अच्छी तरह सबद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध में मुआने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दुष्यंत को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया। उसका जीवन छीन हो चला है। एक क्षत्रिय कुल कलंक राम श्री राम उस राक्षस सेना का घातक है। वो शील रहित क्रूर तिखे स्वभाव वाला मूर्ख लोभी अजितेंद्रिय धर्म त्यागी अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है। जिसमें बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय से मेरे बहन को नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उसने बदले मेरे बदला लेने के लिए मैं उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान के बलपूर्वक घर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। देखो भगवान को भी किस दृष्टि से देखता है। महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर भी मैं समस्त देवताओं की यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और विरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने पर भी तुम बड़े बहादुर हो, बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में विशेष कुशल हो मुनि निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वो भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतम बिंदुओं से युक्त चित्तकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मुख के रूप में देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम के साथ लक्ष्मण भी कहेंगे कि आप लोग इसे पकड़ लाओ। जो दोनों पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सुने आश्रम से सीता को उसी समय तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता हूँ। उसके बाद स्त्री का अपहरण कर हो जाने के बाद जब राम अत्यंत दुखी दुर्बल हो जाएगा उस समय मैं निर्भय व सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूँगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मरीज मुँह सूख गया। वो भय से थर्रा उठा। वो अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे ओटों को चाटने लगा। उसे इतना ही दुख हुआ कि वो मुर्दा सा दिखाई देने लगा। इसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसने महान वन में श्री रामचंद्र जी का पराक्रम ज्ञान हो चुका था, इसलिए मनी मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया था। हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वंचना की वचन बोला। उसके बाद रावण को तथा अपने लिए भीतर थी। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकाण्डे षट्त्रिंशत् सर्ग सम्पूर्ण।